हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे शेयर की जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। दो दिन की डिलीवरी की बात करें तो दोस्तों इन तीन शेयरों में अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई गई है और आने वाले समय में स्विंग ट्रेडिंग वाले इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ स्टॉक इसमें ऐसे हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। इन तीन स्टॉकों से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक एक करके मैं तीनों स्टॉकों के बारे में जानकारी दूंगा कि कहां पर आपको एंट्री लेनी है। तो दोस्तों अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, खुद का पैसा ही इन्वेस्ट करें, किसी का उधार लेकर लोन लेकर इन्वेस्ट शेयर मार्केट में नहीं करें। तो दोस्तों बात करने वाले हैं सबसे और पहले शेयर की, वो है बजाज फिनसर्व। जी हां दोस्तों, बजाज फिनसर्व के बारे में मैं पहले भी कई सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बजाज फिनसर्व में पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों पॉजिटिव संकेत इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि डिलीवरी जो है कल की तारीख में अच्छी खासी उठाएगी। इतनी तेजी आने के बावजूद भी अगर डिलीवरी किसी शेयर में उठती है तो मतलब कि शेयर में और भी बड़ा धमाका होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, दो और इंपोर्टेंट शेयर वो भी अच्छे खासे हैं, उन्हें मिस मत कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात करें तो फिलहाल अभी चल रहा है 1800 के आसपास और कल की तारीख में इसमें 4.5% की तेजी देखने को मिली। दोस्तों मार्केट में अभी अच्छा खासा मूव है, बैंक निफ्टी या निफ्टी भी अच्छे खासे पॉजिटिव संकेत की तरफ है। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन तीन स्टॉक पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। बजाज फिनसर्व की अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, फिलहाल ये 1800 के आसपास है, कल की तारीख में 4% की तेजी देखने को मिली है। ये ओपन कहां पर हुआ था दोस्तों, ये करीब करीब 1722 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी और उसके बाद इसने हाई मारा था और हाई मारा है 1805। अब ये शेयर में तेजी का कारण इसलिए भी बन रहा है क्योंकि बजाज फिनसर्व अच्छी खासी कंपनी है, आने वाले समय में बड़ा मुनाफा बड़ा पैसा आपको बनाकर दे सकती है बजाज फिनसर्व। दोस्तों इंपोर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं, इसका 52 वीक हाई की बात करूं तो 1862 है जो कि बहुत ही जल्द इसी महीने टच करने वाला। अगर एक बार इसने हाई को क्रॉस किया तो दोस्तों 2 से 2500 की तरफ यह शेयर रवाना हो सकता है। दोस्तों 20 डे की वॉल्यूम डिलीवरी एवरेज की बात करूं तो 33% है, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करूं तो 4142 के आसपास है जो कि आपको बुक वैल्यू से भी आधी रेट में शेयर मिल रहा है। दोस्तों इसलिए शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से कंपनी जबरदस्त है बजाज फिनसर्व, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी अच्छे खासे काम करती हुई नजर आ रही है। क्वार्टर द क्वार्टर रिजल्ट भी बजाज फिनसर्व के अच्छे देखे जा रहे हैं। दोस्तों बजाज फिनसर्व के बारे में एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि इसने 2016 के आसपास स्पीड और बोनस दिया था, उस समय शेयर की प्राइस थी करीब 800 रुपए, लेकिन जब ये 800 रुपए से 17,000-18,000 पहुंचा है मात्र 5 से 6 सालों में, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी जो है इसकी पावरफुल स्टॉक की पावरफुल, इसके बैकग्राउंड पावरफुल है, इसकी कंपनी पावरफुल, इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत है। अभी स्पीड और बोनस किया था जिसकी वजह से शेयर की प्राइस 18,000 से घटकर 1800 आ गई थी और उसके बाद इसने लो बनाया अभी फिलहाल में ही करीब करीब 1551 या 1600 के आसपास का। अब फिर से शेयर 1800 की तरफ बढ़ रहा है तो दोस्तों ये बहुत ही जल्द आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर देगा। तो इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी की बात करें तो कितने दिनों में कौन सी डिलीवरी उठाएगी वो भी आपको बता देना चाहता हूं। आपको बता दें शुक्रवार के दिन इस शेयर में 80 लाख की इंट्राडे ट्रेडिंग हुई जिसमें से 32 लाख शेयर इस करीब करीब 32 लाख शेयर डिलीवरी में लिए गए इतनी तेजी आने के बावजूद। तो इसका मतलब इस शेयर में और भी कुछ बड़ा हो सकता है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री बना सकते हैं। 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 5% है, 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो करीब 9% है, 3 मंथ रिटर्न की बात करें तो 18% है। और ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी शामिल है दोस्तों, करीब करीब मुझे अभी 50% का रिटर्न दे रहा है क्योंकि मैंने स्प्लिट बोनस से पहले जून के महीने में गिरावट में खरीदा था और मैं कभी नहीं बेचने वाला, इसके 200-300% रिटर्न पर भी नहीं बेचूंगा क्योंकि मल्टीपल स्टॉक जो है बड़ा पैसा बनाकर देने वाला है।
तो दोस्तों ये था पहला स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे, बजाज फिनसर्व। आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करके इसे खरीद सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करने वाले हैं जो कि भविष्य का सबसे तगड़ा पैसा बनाकर देगा और आपका पैसा तिगुना चौगुना करके रहेगा, वो है टाटा मोटर्स। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स काफी हद तक घिर चुका है, अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है। अब ये बड़ी तेजी के साथ आपको बड़ा पैसा बनाकर देने वाला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के फंडामेंटल के बारे में बता देते हैं, इसकी क्या डिलीवरी उठाई जा रही है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि टाटा मोटर्स में अब जो तेजी बनेगी वो तेजी बहुत ही ज्यादा और बड़ी तेजी आपको दिख सकती है। दोस्तों टाटा मोटर्स की फंडामेंटल की बात करें तो काफी अच्छा है। इतने दिन दोस्तों गिरावट तो आ चुकी है, अब गिरावट कंटिन्यू नहीं आने वाली है, बहुत ही तगड़ा मुनाफा आपको टाटा मोटर्स के शेयर देने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल टाटा मोटर्स 229 के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है, कल नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव ही रहा है। इसकी बात करें ओपन हुआ था 228 के आसपास और 229 के आसपास जाकर आया था। टाटा पावर में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक साल के अंदर पैसा डबल करना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स जैसा शेयर आप ले सकते हैं। दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो 52 वीक हाई की बात करें तो करीब करीब 300 के आसपास है, 52 वीक लो है 180 के आसपास। अभी जो है हाई बनाया था इन्हें कल की तारीख में, इसने 235, जी हां दोस्तों 235 जाकर आया था। इसका मतलब टाटा पावर को आपको लेना चाहिए। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो करीब करीब 11,690 करोड़ का मार्केट कैप है। वही 20 देख अगर वॉल्यूम एवरेज डिलीवरी एवरेज दोनों देखेंगे तो वॉल्यूम की बात करें तो करीब करीब 57 लाख, या डिलीवरी की बात करें तो 30% के आसपास डिलीवरी। बुक वैल्यू 863, जो कि बुक वैल्यू काफी ज्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। काफी अच्छा है, गिर चुका है, अब आपको ये खरीद लेना चाहिए सही समय पर। हाँ इसका स्टॉप लॉस की बात करें तो 200 से नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन 200 से ऊपर है तब तक पॉजिटिव संकेत हमारे लिए टाटा मोटर्स में है। टाटा मोटर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। कल की तारीख में दोस्तों इसमें डिलीवरी में 70 लाख जो इंट्राडे हुए उसमें से करीब करीब 40% डिलीवरी में स्टॉक जो है लिया गया है, मतलब इस शेयर में भी तेजी आने वाली है बहुत ही जल्द। 3 करोड़ की डिलीवरी वही गुरुवार के आसपास जो है स्टॉक में जो इंट्राडे ट्रेडिंग हुई थी उसमें 3 करोड़ के आसपास जो हुई थी उसमें से 80 लाख शेयर डिलीवरी उठाए गए थे। दोस्तों एक शेयर में तेजी पकड़ने का एक और जो बड़ा कारण है और बड़ा जो सीक्रेट है वो आपको बता देना चाहता हूं। जब भी किसी शेयर के अंदर आप देखते हो इंट्राडे में डिलीवरी का 60-70% जो है हिस्सा जो आपको बता दे, अगर खरीद रहे हैं अधिक रिटेलर FIDI तो इसका मतलब उसमें तेजी आ सकती है। रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद भी अच्छा मुंह देखने को मिलता है तो तेजी आ सकती है। ये जो 3 स्टॉक आपको बता रहा हूं ना, ये जबरदस्त और बड़ा पैसा बनाकर दे सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में बजाज फिनसर्व और टाटा मोटर शामिल कर सकते हैं, और अगले स्टॉक के बारे में भी चलने वाले तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो टाटा पावर में बता दो दोस्तों आपको, शुक्रवार के दिन जो है 70 लाख से इंट्राडे हुए थे जिसमें से 40% करीब 28 लाख शेयर जो डिलीवरी में आए हैं, उससे एक दिन पहले की बात करें तो 80 लाख शेयर डिलीवरी में आए हैं, मतलब इसका जो 20 डे का डिलीवरी परसेंटेज तो 30% है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज 30% है लेकिन अब बढ़ रहा है, उससे कम नहीं उससे ज्यादा है, करीब करीब 50%, 41%, 40% डिलीवरी में शेयर उठाए जा रहे हैं, मतलब कि टाटा मोटर्स में भी बड़ा मुंह देखा जा सकता है। और भविष्य में टाटा मोटर्स का शेयर आपको 1000-2000 भी जाता हुआ दिखेगा। तो ये मेरी राय है दोस्तों, आप अपनी एनालिसिस जरूर कर ले, ऐसे जबरदस्त शेयर दोस्तों आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और अभी सही रेट में ही मिल रहे हैं, चाहे बजाज फिनसर्व लो चाहे टाटा मोटर्स लो। आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 10-20% डाल दो, अगर आपको ओवर गिरता दिखे तो फिर डाल दो, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, तो शॉर्ट टर्म वाले 2-3 वालों के भी मंथ के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छा खासा पैसा आप लगा सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। अगले शेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों जिसमें भी अच्छा मुंह देखने को मिला है, उस शेयर का नाम है JSW स्टील। जानते हो टाटा स्टील में तेजी आपको देखी गई है, टाटा स्टील ले लो दोस्तों, हिंडाल्को ले लो, स्टील सेक्टर में फिर से तेजी दिख रही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों जो है JSW स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया और हिंडाल्को हो गया, इनमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। 3-4% तो आपको मात्र 5-6 दिनों के अंदर ये निकाल कर दे देगा।
तो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील की आपको बता देना चाहता हूं क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है फिलहाल कल की तारीख में 3.5% भगा है। जी हाँ दोस्तों, ओपन कहां हुआ वो भी इंपॉर्टेंट जानना कि ओपन कहां हुआ। तो दोस्तों ओपन हुआ है 683 में, हाई बनाकर आया 703 और अभी जो है लो बनाया था उसने 682। फिलहाल जो शेयर ट्रेड कर रहा है 701 या 702 के आसपास। तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो है बहुत ही जल्द अपने 52 वीक हाई 790 को क्रॉस कर सकता है। इसका 52 वीक लो है 520। अगर ये एक बार 720 को क्रॉस कर जाता है ना दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील, तो आपको 790 की तरफ जाते हुए शेयर को कोई नहीं रोक सकता। और स्टील सेक्टर में धीरे धीरे तेजी आने की उम्मीद है और इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हल्का हल्का हर गिरावट में ये शेयर भी खरीद सकते हैं, भविष्य में अच्छा खासा पैसा देगा। तो दोस्तों डिलीवरी में तो 38 लाख शेयर जो है करीब करीब इंट्राडे में हुए, जिसमें से 8 लाख शेयर उठाए गए हैं, उससे एक दिन पहले 5 लाख, उससे एक दिन पहले 7 लाख। तो डिलीवरी में भी ठीक ठाक शेयर उठाए जा रहे हैं, कोई बड़ी वाली न्यूज तो फिलहाल इसमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील स्विंग ट्रेडिंग वालों को 3-4% का रिटर्न दे सकते हैं। अगर ये 700 के ऊपर रहता है तो आपके लिए पॉजिटिव संकेत है, 698 से नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन ये तीनों शेयर आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं, जिसमें दो जबरदस्त शेयर है दोस्तों, बजाज फिंसर्व और टाटा मोटर, जो कि बिना सोचे समझे आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।